फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस स्टॉर्म कार्ड जब हम लोग बनाने के लिए जाते हैं तब ओ पोर्टल में क्या होता है, ओटीपी का प्रॉब्लम रहता है। फर्स्ट वाला जो ओटीपी है वो तो आ जाता है, लेकिन उसके जो नेक्स्ट वाला ओटीपी आता है वो आता नहीं है। अगर किसी का आता भी है लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाता है, तो उस विषय में डिस्कस करेंगे और कैसे आपका ओटीपी आ सकता है, या अभी आएगा या नहीं आएगा, कब तक आएगा, तो सब कुछ इस विषय में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने फुल प्रोसेस वाला वीडियो नहीं देखा कि कैसे आपको ये स्ट्रॉन्ग कार्ड बनाना होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो उस वीडियो को देख के आप फुल प्रोसेस जान सकते हो और आपका स्ट्रॉन्ग कार्ड आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने अभी तक एंजल ब्रोकिंग में ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और इसमें ज्वाइन करने से आपको ऐसे तो आप ट्रेडिंग करके इनकम कर सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप रिफर करके पार रिफर 500 रुपीज करके इनकम कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस श्रोमिक पोर्टल के ओटीपी के रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करेंगे और क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा, तो आपको पता चलेगा। तो वीडियो को फर्स्ट लास्ट तक देखना है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो स्ट्रॉन्ग का पोर्टल है पोर्टल को ओपन करके दिखाता हूँ। इस टाइप से आपको दिख जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो तो आपको पता ही कि इसमें आप देख सकते हो कि आपको जो मोबाइल नंबर मंगा गया है, इसमें आपको आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उसी नंबर देने के लिए मतलब प्रेफर किया गया है। ऐसा नहीं कि आपको वही नंबर देना होगा, अगर आप वो नंबर नहीं देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रेफर किया गया है, अगर वो देंगे तो आपका ओटीपी फर्स्ट आएगा, या इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन आने का चांस है, तो इसमें आप कोई भी नंबर दे सकते हो, इसलिए जो फर्स्ट वाला ओटीपी है वो आ जाता है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होता क्योंकि उसमें कोई आधार का झंझट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाला जो स्टेप है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि नेक्स्ट वाला जो स्टेप है इसमें आपका आधार का झंझट रहता है। इसमें आपको पहले तो आधार नंबर टाइप करना होता है, फिर आपको सबमिट करना होता है, फिर आपको ओटीपी आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी किसी का ओटीपी आ जाता है और किसी का तो आता ही नहीं है। अगर ओटीपी आता भी है लेकिन जब ओटीपी को मतलब पुट करके हम लोग सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट पेज में नहीं जाता है, एरर शो हो जाता है। तो एरर किस वजह से आता है और ओटीपी भी अगर नहीं आता किस वजह से नहीं आता, मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स मैं ओपन कर लिया UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आधार कार्ड को ऑफिशियल वेबसाइट। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी आपने आधार कार्ड पे कुछ भी काम करने के लिए जाएंगे, कुछ भी करेक्शन हो या आपके स्टेटस चेक करने के लिए हो, तो उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, टेक्निकल इशू बोल के आ रहा है, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम बोल के आ रहा है। मैं कल से मतलब ट्राई कर रहा हूँ आधार कार्ड रिलेटेड मतलब कुछ काम करने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। तो अभी आप सोचेंगे कि आधार कार्ड को क्यों रिलेट कर रहा हूँ, तो रिलेट करने की वजह ये है कि जो ई श्रोमिक का पोर्टल है, तो ई श्रोम पोर्टल में जो आपका डिटेल्स लिया जाता है वो UIDAI से लिया जाता है, यानी आधार कार्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपका डेटा लिया जाता है, जैसे आपका एड्रेस हो, नाम हो, आपका फादर नेम हो, फिर आपका फोटो हो, तो सब कुछ आधार वेबसाइट से लिया जाता है। तो अगर आधार वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपका जो ई श्रोम का पोर्टल है उसमें जो डेटा है वो प्रोसेस होके उसमें फेस नहीं होगा, और इस वजह से आपका स्टेप आगे नहीं जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तो आगे नहीं जाएगा। तो जब तक आपका जो UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट वो ठीक नहीं होता है, जो मेंटेनेंस में हो या कुछ भी प्रॉब्लम उसमें चल रहा है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आपका इस स्ट्रॉम का जो पोर्टल है इसमें ओटीपी का या नेक्स्ट पेज में जाने का जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होगा। ये 100% जेन्युइन रीजन है ओटीपी नहीं आने का, या ओटीपी आने के बाद भी नेक्स्ट पेज में नहीं जाने का। तो आप बहुत सारे मैं वीडियो देखा हूँ कि ऐसे करो ओटीपी आ जाएगा, वैसे करो ओटीपी आ जाएगा, इस टाइप से कुछ भी नहीं होगा। जब तक UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट ठीक नहीं होगा तब तक एक प्रॉब्लम रहेगा। जब UIDAI का जो वेबसाइट है वेबसाइट ठीक हो जाएगा तो इस स्ट्रॉम का जो पोर्टल भी सही से चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं इसी तरह ही नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।